तो खेतों में ना पानी और चाय का इतना मेन रोल होता है ना, ये एनर्जी देता है जब हम बहुत थक जाते हैं ना हार्ड वर्क के, तो यहाँ पे रहना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इसमें बना है हमारा चावल और घर की राजमा और साथ में सलाद। तो बेचारे भूखे थे, हमने कहा सबसे पहले खाना खाओ उसके बाद फिर जाना, क्योंकि दिन भर कहाँ कहाँ फेरी लगाते हुए आए हैं शायद ये। एक और नया दिन, तो फिर से एक नए दिन में आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है इन देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से नज़ारों के साथ। तो हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो रास्ते से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और हम जा रहे हैं आज खेत में, क्योंकि फिर से संडे आ चुका है जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और अभी ये देखो, झोले वोले में हमने रख लिया है चाय पानी, और हमारा आज मतलब लास्ट खेत है जिस पर मटर लगानी रह गई थी क्योंकि हमने कल पानी डाला था उस पर। और साथ में इधर देखो, वो नीचे हस्बैंड जी भी जा रहे हैं आगे से, वो वीडियो में नहीं आते हैं कभी भी, उनको अच्छा ही नहीं लगता वीडियो में आना, तो पर दिखाएंगे कभी, उनको भी लेंगे, लेकिन अभी चलते हैं फिर। और अभी हमने नीचे से ले जाना है रास्ते से ट्रैक्टर, और दिखाएंगे फिर दिन भर में क्या ही होता है खेत में। और पहाड़ियों की लाइफ ना इतनी सिंपल होती है, और सिंपल के साथ साथ मतलब हार्ड वर्किंग भी रहता ही है, क्योंकि पहाड़ों में इतना ज़्यादा काम होता है कि बिना हार्ड वर्क के तो यहाँ पे रहना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो चलते हैं फिर खेत की तरफ। और आज आ रखी है बहुत अच्छी सी धूप, कल तक बादल थे और अभी 2-3 दिन से बारिश बताई है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो देखते हैं फिर। तो चलते हैं खेत की तरफ। तो बहुत अच्छी धूप हो रही है और साथ में लेके जा रहे हैं पेट्रोल चलाने के लिए ट्रैक्टर। तो यहाँ पे लोग लगा रहे हैं आलू और हमने ले जाना है यहाँ से ट्रैक्टर, क्योंकि हमारा वाला ट्रैक्टर खराब हो रहा है ना, तो इसलिए। तो हैरो लेके मैं पहुंच चुकी हूँ, यह है पावर टिलर के हैरो जो ऐसे ट्रे में लाने पड़ते हैं, क्योंकि अब पहाड़ के ऐसे पगडंडी वाले रास्ते होते हैं तो वहां से कैसे आएंगे, इसलिए मैं इनको ट्रे में ला गई हूँ। तो अब मेरा काम है गोबर को फैलाना और उसके बाद इस पर ट्रैक्टर लगाएंगे। तो मिलते हैं आपको फिर आगे। खेत खुदाई के बाद कुछ ऐसे हो गए हैं हमारे खेत, और पहले कितने बेकार बंजर लग रहे थे, तो अब सबकी तरह ना हमारा खेत भी अच्छा हो गया है, क्योंकि कल हमने इस पे पानी डाला था और आज मेरा काम जो था ना गोबर फैलाना, और उसके बाद जो एक खेत के जो नीचे वाली एरिया है इसको खोदना, क्योंकि इस पर ट्रैक्टर नहीं लग पाता है, तो मैंने खुदाई भी कर ली है। तो अब हमारा खेत भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना इधर उधर सारे खेतों में आलू मटर लग चुकी थी, बस हमारा खेत बीच में बचा था। पर हम भी क्या कर सकते हैं, बस एक संडे आता है तो उसी का वेट करते हैं कि एक संडे आएगा और हम भी अपने खेतों में काम करेंगे। तो इस खेत में हमारे ना पूरे सेब और आड़ू के पेड़ हैं, तो नीचे से हम लगाएंगे मटर। तो पहले हम खाना खा के आते हैं, लंच करके आते हैं, घर जा रहे हैं, और उसके बाद हम दिन में यहाँ पर मटर लगाने आएंगे, क्योंकि 1-2 दिन में बारिश भी बताइए, अगर बारिश हो गई ना तो ये खेत पूरे बेकार हो जाएंगे हमारे, तो इसलिए ये काम भी करना ज़रूरी है। तो अब मुझे ना फिर से जो ट्रैक्टर हम लेके आए थे उसके हैरो सर पे रख के ऊपर जहाँ जिनका ट्रैक्टर था वहाँ छोड़ना है। तो शायद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सर में हैरो रहेंगे और हाथ ऐसे इतने बिजी से रहेंगे, हाथ में झोला वगैरह भी है। तो मैं मिलती हूँ आपको सीधे घर, और देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं, फिर लंच करने के बाद फिर इसी खेत में आना है हमको। तो आज पूरा दिन ना खेतों के नाम होगा, तो चलिए चलते हैं फिर। और सुबह पूरा ना इतनी अच्छी धूप आ रही थी, लेकिन अब पता नहीं हवा के साथ हल्के हल्के बादल आने लगे हैं, तो फिर बादल आएंगे, बारिश वगैरह होने के भी चांस हैं, तो फिर चलते हैं हम। और ये देखिए अपना खेत रहा, बढ़िया हो गया। अब पूरा इस वाले पे पूरे सेब हैं और उधर है आड़ू का बगीचा, तो फिर हम चलते हैं पहले और फिर मिलते हैं आपको आगे। तो चढ़ाई को पार करते हुए मैंने इनके हैरो छोड़ दिए हैं इनके घर में, तो इनके हैरो थे। तो अब चलते हैं घर, और ना पसीने से बिल्कुल लाल हो गई धूप से भी, तो अब मिलेंगे हम आपको सीधे घर में।
तो पहाड़ी दिनचर्या में हम लंच कर रहे हैं और पहाड़ी लंच में बना है हमारा चावल और घर की राजमा और साथ में सलाद। तो कर लेते हैं फिर लंच। और ये हमने गाजर काटा है, माल्टा और साथ में राजमा की दाल के साथ कर लेते हैं हम भी लंच और मिलते हैं आपको लंच करने के बाद। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा खाना और प्राची ने खा लिया है और ये जा रही है अपने दोस्त के घर। जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ, टाइम पे जाके। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और खाते खाते अचानक हमारे भाई जी आ गए। इतने ये क्या क्या भैया, क्या क्या लेके आए हो तुम्हें? हाँ, इसे क्या बोलते हैं, थुलपा ना कुछ बोलते, थुलम। तो कहाँ से आ रहे हो आप? नेपाल से। अच्छा, तो भैया आ रखे हैं नेपाल से, तो बेचारे भूखे थे। हमने कहा सबसे पहले खाना खाओ उसके बाद फिर जाना, क्योंकि दिन भर कहाँ कहाँ फेरी लगाते हुए आए हैं शायद ये। पर लग तो अच्छे रहे भैया, ये देखेंगे अभी खाना खाने के बाद। हाँ हाँ, ठीक है, खाओ खाओ। नमक देना है आपको? तो हम अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ते हुए खाना खाने के बाद फिर से आ रहे हैं खेत में, और मटर लगानी है इसके बाद। और साथ में अभी बच्चे लोग आ रखे हैं, ये है नीलम, निकिता, हेलो। तो इनको, ये मेरी भतीजा है, तो इनको मैं हेल्प करने के लिए ला रही हूँ, क्योंकि मटर डालेंगे ना तो आसानी हो जाएगी, हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। और अभी तो अच्छी धूप हो रही है और बादल धूप बादल धूप बादल धूप छाँव वाला मौसम हो रहा है अभी थोड़ा बहुत। तो चलते हैं फिर खेत में और खेत में लगाते हैं मटर। हमने नीचे वाले खेत पे लगा दी है मटर, और बच्चों का काम है मटर डालना और मेरा काम है उसको ढकना और फिनिशिंग देना। तो खेतों में ना पानी और चाय का इतना मेन रोल होता है ना, ये एनर्जी देता है जब हम बहुत थक जाते हैं, तो इतना पसीना और सांस भी फूल रही है क्योंकि हम मतलब नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। तो पानी भी पी लेती हूँ मैं, और फिर हमारे बच्चे दो खेत शायद आज हो जाएगा, कोशिश करेंगे आज इसको निपटाने की। तो फिर देखते हैं कितना होता है और फिर हो जाती है शाम, तो इसलिए हम वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि अभी ये काम भी जरूरी है। तो हम भी मटर लगा लेते हैं और फिर मिलेंगे हम आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि,